सो आज की वीडियो है ना उन लोगों के लिए होने वाली जिनकी है ना सोशल मीडिया पे इमेज या वीडियो है ना वायरल हो चुकी हो और है ना उस वायरल इमेज को या वीडियो को कैसे आप सोशल मीडिया से हटा सकते हो, मतलब इंटरनेट से कैसे डिलीट करवा सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाला हूँ। हाँ सो मैं आपको बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन है ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है ना उनकी पार्टनरशिप है, आप है ना उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से है ना इंटरनेट से अपनी वायरल इमेज या वायरल वीडियो को डिलीट करवा सकते, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। सो मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ, आपको वही वही स्टेप आपको फॉलो करनी तब आप है ना वायरल इमेज या वीडियो को डिलीट करवा सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले। सो यहाँ पर देखो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गए। सो आपको करना है आपको यहाँ पर है ना क्रोम के अंदर चले जाना, यहाँ पर आपको सर्च करना स्टॉप NCII है ना। सो आपको इस पर कर देना क्लिक, मतलब आपको स्टार्टिंग में एक वेबसाइट दिख जाएगी stopncii.organization, आपको कर देना इस पर क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे है ना। सो इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। तो आपको देखो यहाँ पर एक इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पर देखो वेबसाइट भी आ गई stopncii.organization, यहाँ पर जो आ गई है, यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है, डॉप नॉन कॉन्सेंसुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज है ना। सो आपको देखो इस टाइप का एक इंटरफेस देख रहे हैं, आपको देखो एक प्राइवेसी पॉलिसी देख रहे हैं आपको हेडर में, यहाँ पर देखो क्रिएट योर केस भी दिख रहा है, फिर आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेक केस स्टेटस, फिर आपको देखो हाउ इट वर्क कैसे ये वर्क करता है, फिर आपको देखो अबाउट आ रहा है, यहाँ पर देखो पार्टनर आ रहा है, आप ना किस किस पार्टनर से ना अपनी AI इमेज या वायरल वीडियो कहाँ कहाँ से आप हटा सकते हो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे आप पार्टनर पे क्लिक करेंगे। सो अभी मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ पार्टनर पे क्लिक। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर इंडस्ट्री पार्टनर्स आ गए, यहाँ पर ना यहाँ यहाँ से आप डिलीट करवा सकते हो, यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम थ्रेड माइक्रोविंग टिकटॉक रेडिट, यहाँ पर देखो ये वेबसाइट आ गई जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ना, सारी आपको प्लेटफॉर्म दिख गए। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है आपको इस पर क्लिक कर देना हाउ इट वर्क, आप जैसे हाउ इट वर्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको प्रोसेस मिल जाएगी, यहाँ पर देखो प्रॉपर गाइड कर रहा है, यहाँ पर देखो लिखा है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री है। सो आपको मैं वीडियो में करके भी बताने वाला हूँ ना, सो आप कैसे कर सकते हो। हाँ तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऊपर एक ऑप्शन देख रहा है क्रिएट योर केस है ना, सो आप क्रिएट योर केस पर क्लिक करना, जैसे आपने क्रिएट योर केस पर क्लिक किया यहाँ पर देखो इंटरफेस आएगा आपको क्रिएट योर केस का, यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी आ जाएगी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, फिर आपको करना क्या होगा आपको इन सबको पढ़ लेना है ना, फिर आपको ये सारी चीजें पढ़ के फिर आपको करना है इसको एग्री पर क्लिक, जैसे ही आपने एग्री पर क्लिक किया फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर केस, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है व्हाट इज योर एज इन इमेज और वीडियो यू वांट टू सबमिट है ना, सो मैं आपकी एज कितनी है वो आपको सर्च करना होगा जो इमेज या वीडियो वायरल हुई है ना। सो यहाँ पर मुझे 80 और ओवर कर देना है, फिर आपको यहाँ पर इधर डालना है हु इज द इमेज वीडियो है ना, सो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर कर देना है उस पर सेलेक्ट। सो यहाँ पर मैं माई सेल्फ पे कर देता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इन इमेज वीडियो सो वी कैन बी श्योर दिस इज करेक्ट सर्विस फॉर यू। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिख रहा है आई एम इन अ पब्लिक प्लेस, यहाँ पर आ रहा है आई एम इन अ प्राइवेट प्लेस, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है फिर। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ आई एम इन अ पब्लिक प्लेस, तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर आपको देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इमेज वीडियो सो वी कैन बी श्योर दिस इज करेक्ट सर्विस फॉर यू आई एम एंगेजिंग इन ये है ना। सो आपको पढ़ के नहीं दिखा सकता है ना, सो यूट्यूब की कुछ पॉलिसी इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता या फिर कुछ वर्ड को मैं इस वीडियो के अंदर बोल नहीं सकता है ना। सो सो आप इसको यस कर देना फिर। फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा हैव एनी योर इंटीमेट इमेज वीडियो ऑलरेडी बीन शेयर ऑनलाइन, सो यस कर देना है आपको। फिर उसके बाद देखो ऑप्शन आया है, फिर आपको देखो इस टाइप का एक ऑप्शन आएगा, फिर उसको भी कर देना नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी इमेज या वीडियो जो है ना वायरल हुई है, फिर आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखो टोटल आप 20 इमेजेस या वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जिससे कि एक्यूरेट इमेज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको। हाँ सो मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट इमेज। हाँ सो अभी मैं फिलहाल कोई सी भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको डमी आपको करके बता रहा हूँ आप इस टाइप से कर सकते हो। हाँ सो अभी मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर देखो ये क्या मांग रहा है, यहाँ पर पिन मांग रहा है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस मांग रहा है, सो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पिन डाल देना पिन। सो यहाँ पर आपको पिन कौन सा डालना है, यहाँ पर आना है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना। हाँ सो आपको जो पिन डालना है सिर्फ 6 से 10 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर पिन, मैं अपना पिन अपने एरिया के डाल देता हूँ है ना। सो यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया, सो मैं यहाँ पर अपना जीमेल आईडी भी डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैं जीमेल आईडी कोई सा भी डाल देता हूँ। मैं आपको बता दूँ ये सारा मैं डमी आपको करके बता रहा हूँ है ना, इस टाइप से आपको करना है। सो इसको कर दो नेक्स्ट पर क्लिक, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक की यहाँ पर देखो फाइल नेम आ गया जो मैंने अपलोड किया था, आपको भी ऐसी फाइल अपलोड करनी जैसा मैंने आपको करके बताया था, आपको एक नहीं करनी, आपको जितनी हो सके आप उतनी फाइल को अपलोड करना है। सो यहाँ पर देखो जो जो मैंने डिटेल डाली थी यहाँ पर देखो सारे यहाँ पर आपको एक बार
प्रीव्यू करके दिखा रही है। यहाँ पर देखो लिखा भी आ रहा है प्रीव्यू व्यूअर केस। आप है ना और भी इमेजेस को यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इसको चेक करके फिर इससे आईएमएन नो ड्रॉपर पे कर देना है चेक मार्क, फिर इसको कर देना सबमिट पर क्लिक। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर आपको ना केस आईडी मिल जाएगा। जैसे आप केस आईडी आपको मिल जाएगा तो आपको केस आईडी को फिर आपको सेव करके रख लेना है ना। सो अभी मैं इसको सबमिट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये ना एक मैंने डमी आपको करके बताया है ना। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको ना केस आईडी मिल जाएगा, आपको ना उस केस आईडी को आपको यूज करना है। सो आप उस केस आईडी को कहाँ पर यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पर यूज करना है। ये लिखा आगे देखो हेडर में आपको दिख रहा है चेक केस स्टेटस पे करना है क्लिक। जैसे आपने चेक केस स्टेटस पे क्लिक किया यहाँ पर देखो केस नंबर आ गया, यहाँ पर पिन आ गया है ना। सो आपको केस नंबर कौन सा मिलेगा, जैसे आप ना अपने केस को सबमिट कर देंगे तो आपको ना केस नंबर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर केस नंबर डालना है, फिर आपको जो पिन डालना जो मैंने आपको डाल के बताया था। जैसे आपने केस नंबर या पिन डाल देंगे तो फिर आपको यहाँ पर इसका स्टेटस दिख जाएगा है ना। सो आप इस तरह से अपनी वायरल इमेज या वीडियो को सोशल मीडिया से इस तरह से आप डिलीट करवा सकते हो। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना मदद करती है मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अपनी वायरल इमेज को या वीडियो को डिलीट करने में। सो अगर आपको इस वीडियो कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वीडियो और AI से रिलेटेड वीडियो में इस चैनल पे आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और मैंने ब्लड प्रेशर की बहुत सारी जो प्रीमियम फाइल और प्लगइन की फाइल मैंने फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो एक बार आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फाइल फ्री में मिल सकती है।